नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के मड़ोताल थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया था, जहां पीड़ित युवक के द्वारा पूरे मामले की शिकायत थाने में पहुंचकर की गई थी। मामले की विवेचना करते हुए पुलिस के द्वारा मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं तीन अन्य की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि सौरभ मिश्रा नाम के एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पांच युवकों के द्वारा उसे कार में अगवा करते हुए बेलखाड़ू के पास ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई है, जहां पुलिस के द्वारा अपहरण कर मारपीट करने वाले दो आरोपी नितिन ठाकुर और शिवम राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। विपिन भाई, हाल ही में एक अपहरण का मुकदमा मड़ोताल थाने में दर्ज हुआ, तो उसमें कुछ गिरफ्तारी सामने आई, क्या था पूरा मामला और किन लोगों की गिरफ्तारी हुई? थाना मड़ोताल में पीड़ित फरियादी सौरभ मिश्रा के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इसको चार पांच लोगों के द्वारा जबरदस्ती कार में बैठाकर पुराने रंजिश के चलते एक आउटर में ले गए सुरतलाई और उसके बाद आगे बेलखाड़ू की तरफ ले जाकर इसके साथ मारपीट की गई थी और करीबन कुछ समय के बाद इसको उसके घर के पास फेंक कर चले गए थे। लिहाजा रिपोर्ट पर पकड़ पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण में दो आरोपी, एक नितिन ठाकुर और दूसरा शिवम राजपूत, इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें जेल निरुद्ध किया गया है। शेष कुछ आरोपियों की तलाश अभी जारी है। किस वजह से ये हुआ था, क्या कारण उन्होंने बताया था? ये पुरानी रंजिश को लेके विवाद था, पुरानी रंजिश में मारपीट का मामला है इनके आपसी दोनों पक्षों के विरुद्ध, तो ये रंजिशन ये प्रकरण फिर इस तरह से हरकत की गई है, लिहाजा इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी बाकी है? तीन लोगों की गिरफ्तारी शेष है इस मामले में। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।